कि बिहू लागी से गात, बिहू लागी से गात। घरों में गैस कनेक्शन पहुंचा हो, इज्जत घर बना हो, लोग गरीब लोग बैंकों से जुड़े हों, फ्री अनाज मिला हो, गरीबों को बेघर को घर मिला हो, 5 लाख रुपए का इलाज मिला हो, ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, रोड शो किया। मेरा दावा है कि बिना प्रचार के, बस इतने ही लोगों को पता था कि मनोज तिवारी आ रहा है, कोई होर्डिंग पोस्टर नहीं लगा है, लेकिन लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा में कोई ऐसी जगह नहीं देखा मैंने जो खाली हो, कोई ऐसी छत ऐसी नहीं है जहां पे लोग ना आ गए हों, और सबका इशारा यही था। यहां तक कि बीच में हम कुछ मुस्लिम इलाकों से गुजरे, वो भी हमें मस्जिदों के ऊपर से भी हमारे लिए मुस्कुरा करके उन्होंने स्वागत किया। इसका मतलब है कि सबका साथ सबका विकास का जो थॉट है वो लोगों के दिल में घर कर चुका है। हम स्पष्ट रूप से बताते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं। अभी हमने 10 साल में जो भी किया है, वो घरों में गैस कनेक्शन पहुंचा हो, इज्जत घर बना हो, लोग गरीब लोग बैंकों से जुड़े हों, फ्री अनाज मिला हो, गरीबों को बेघर को घर मिला हो, 5 लाख रुपए का इलाज मिला हो, ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अगले 5 साल में विकास की कहानी नरेंद्र मोदी जी जिस स्तर पे लिखने वाले हैं, उसके लिए हमें एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है। और दुमदुमा से हमारे प्रधान बरुआ जी, जो हमारे बीजेपी प्रत्याशी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लोगों के काम आने वाले हैं, उनके लिए कमल का बटन दबाए, ऐसा प्रार्थना करता हुआ मैं आज दुमदुमा में घूमा हूँ। मेरा छोटा भाई रुपेश ग्वाला, जिसके लिए मैं पहले आया था, उसको आज उनकी ड्यूटी कहीं और लगी है, लेकिन उनको भी यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे वोटों से जिताया था, उसका धन्यवाद देता हूँ और आगे के लिए लोगों का समर्थन मांगता हूँ। सीएम जो बहुत ही शानदार, असम को एक ऐसे सीएम मिले हैं हेमंत विश्व शर्मा के रूप में, कि लोग जो मन में सोचते थे सुरक्षा के लिए, अपने संस्कृति के लिए, वो सब कुछ सीएम हेमंत विश्व शर्मा करके दे रहे हैं। पहले सर्वानंद सोनोवाल जी, जो अब डिब्रूगढ़ से कैंडिडेट भी हैं, और आज भी मेरी सवेरे हेमंत दा से भेंट हुई, अमित शाह जी कल यहाँ थे, आज जब वो 10:30 बजे यहाँ से जा रहे थे तभी मैं उतरा और हम लोग साथ में चाय पिए। हेमंत विश्व शर्मा दा, हमें कई बातें हुई, इन सब का एक ही मैसेज है कि मेरे दुमदुमा लखीमपुर के भाई बहन, प्रधान बरुआ को जिताकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार मौका दीजिए, अभी तक जो आपके कार्य रुके हैं उन कार्यों को भी करने की आगे बारी है। सर, एक बात पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं? अच्छा, तिनसुकिया जिला जो है ये हिंदी भाषी बहुत क्षेत्र है, यहाँ पे हिंदी भाषी बहुत उपेक्षित हो रहे हैं कुछ कागजी कार्रवाई में, जैसे एनआरसी के लेकर। मुझे नहीं लगता है कि अगर 5 लाख का इलाज मिल रहा है तो उनको नहीं मिल रहा होगा। नहीं नहीं, सुनो पहले मेरी बात समझें, उनको ऐसा तो नहीं है कि जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं वो नहीं मिल रहा होगा। एक कुछ इशू है जिसको लेकर के हमको ये जानकारी है, हमें यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया है, और उसका निदान भी बहुत जल्दी कर देंगे। मोदी है तो वो भी मुमकिन है। आपके बार कितने सीट आने की आप लोग अनुमान है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 400 सीटें मांगी हैं, लेकिन मुझे लगता है ये देश अगर 425 भी पार कर दे इस बार तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं वो देश के प्रगति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने बेटी दामाद के प्रगति के लिए लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी NDA ऐसी है जो सही मायने में गरीब हो, किसान हो, युवा हो और महिला हो, इनके लिए लड़ रही है, और इनको जो अब तक दिया है वो दिया है, आगे जैसे हमारे भाई कह रहे हैं कई ऐसी जो प्रवासी लोग भी हैं उनको एक इस इशू हमारे पास आया है,
चूँकि मैं दिल्ली का भी सांसद हूँ तो पूर्वांचल जो यूपी बिहार झारखंड के लोग हैं उनके इशू को पूरे देश में देखता हूँ और ये जो छोटा सा इशू है उसको भी समाप्त करके इस 5 साल में आप सबको बहुत खुशियाँ। 14 अप्रैल से असम का बिहू आ रहा है, थोड़ा बिहू क्या दीजिए। देखो हम लोग तो अभी हम गाड़ी पे थे ना तो एक हमको कोई गीत बता रहे थे, एक लाइन था हाँ, तो मैं उसको ऐसे ही मुझे नहीं पता क्या, मैं तो अपना एक ट्यून बनाया कि बिहू बिहू लागी से गात। तो हमने एक और लाइन सीखी है कि जो आए अखम अखम माता की जय, भारत माता की जय और समाज के सभी लोगों की जय। थैंक यू।